हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि 19 सितंबर का यहाँ पर फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट भी एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, यहाँ पर भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने मैथ्स में 39 क्वेश्चन करे हैं और रीजनिंग में 40 में से 40 क्वेश्चंस करे हैं और टोटल इन्होंने 75 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं विथ 100% एक्यूरेसी। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि किस किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मेरे पास यहाँ पर 5 नंबर की जो मिसिंग सीरीज है उसके भी क्वेश्चन है मेरे पास, एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। तो देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जामिनर क्लर्क लेवल के क्वेश्चन बनाता है। रीजनिंग के ये हो गए, सेम उसी प्रकार के मैथ्स के ये हो गए, जहां से एग्जामिनर क्लर्क लेवल के क्वेश्चन बनाता है। अब एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में हमसे क्या पूछा गया है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा, सेकंड शिफ्ट एनालिसिस 19 सितंबर 2020। तो अगर मैं आपसे यहां पर मैथ्स की बात करूं तो यहां पर टेबुलर डीआई आपसे पूछी गई थी और एक बार ग्राफ पूछा गया था। क्लियर? ये भी एकदम डाटाबेस था, वैल्यू देखनी थी, पुट करनी थी, दोनों के बीच रेशियो था, है ना, दोनों के बीच रेशियो निकालना था या दो वैल्यू को ऐड करके उनका डिफरेंस बताना था, कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें थी। क्लियर? मिसिंग नंबर सीरीज आई थी ये 5 की 5, अभी मैं आपको एज इट इज मिसिंग नंबर सीरीज में आपको बता दूंगा कौन सी आई है। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो विदाउट पेन एंड पेपर थे, है ना, मतलब आपको पेन पेपर उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन थे, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते थे। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस थे वो टोटल 15 थे, जिसमें आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन था और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, CISI, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन था। तो इसकी जो क्वेश्चंस हैं 15 के 15 जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। क्लियर? तो बहुत ईजी था मैथ्स का पेपर, है ना। मेरे हिसाब से जिन लोगों ने 39 क्वेश्चन करे हैं उन्हें अर्थमेटिक का एक आध क्वेश्चन लगा होगा जो कि उन्हें छोड़ना उन्होंने ज़रूरी समझा। क्लियर? तो ये हो गए टोटल 40, जो कि इजी लेवल था मैथ्स का। यही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका पजल था, फर्स्ट शिफ्ट में भी मंथ बेस पजल पूछा है, सेकेंड शिफ्ट में भी मंथ बेस पजल पूछा है, वहाँ पर भी 3 मंथ 2 डेट थे, यहाँ पर भी 3 मंथ 2 डेट हैं। क्लियर? सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन वाला है, सुबह भी नॉर्थ डायरेक्शन वाला सिटिंग अरेंजमेंट पूछा था, यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी अनसर्टेनिटी पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में स्क्वायर बेस्ड की आपकी सिटिंग अरेंजमेंट थी, है ना, और यहाँ पर आपका सर्कुलर बेस्ड पूछा गया है ना। यहाँ पर जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें रीजनिंग में सर्कुलर बेस्ड पूछा गया और सारे के सारे इनसाइड फेसिंग थे। क्लियर? तो बहुत ईजी था, आराम से आप लोग 7 से 8 मिनट में पूरे 20 के 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते थे। सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे 5, जिसमें से 3 क्वेश्चन ओनली एंड ओनली फ्यूपर बेस्ड थे, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप लोग कर सकते थे। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी है इनइक्वालिटी, तो है ना, आप मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में आप इनइक्वालिटी के पूरे क्वेश्चन बना सकते हो, इतना ईजी। पेयर बेस्ड थे 3 क्वेश्चन, ईजी थे। नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, ईजी थे, है ना, जिसमें से एक ऑड वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग के यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे और एक कोई सा मिसलेनियस था, तो शायद मेरे हिसाब से कि वो मिसलेनियस के यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ठीक है, उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। मिसलेनियस में मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ पूछा होगा, बच्चों को यहाँ पर अच्छे से याद नहीं था। क्लियर? तो ये होगा यहाँ पर आपके 40 के 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, जिसमें से सभी स्टूडेंट ने 40 में से 40 बना के आए, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ने जिन जिन से मैंने पूछा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसे ही हुआ था, सेकेंड में भी ऐसे ही हुआ है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दे देता हूँ, है ना, जो नंबर सीरीज के जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, ये है 5 क्वेश्चन, इनको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डिफरेंस से ही सॉल्व हो जा रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक बार इनको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं बन रहा होगा तो एक बार मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों को, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको पूरा सोल्यूशन सॉल्व करके दे दूंगा। क्लियर? मतलब इसको सोल्यूशन में आप लोगों को दे दूंगा। क्लियर हो गया? तो ये थी कुछ बातें सेकेंड शिफ्ट की। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एग्जामिनर यहाँ पर भी सेम आपकी स्पीड चेक कर रहा है, नॉलेज तो सबके पास है, सभी पढ़ पढ़ा के आए हैं, लेकिन स्पीड मैटर करती है ना, स्पीड बस, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेक कर रहा है कि क्या बच्चा 45 मिनट में 80 में से 80 क्वेश्चन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वो स्पीड चेक कर रहा है। तो इस हिसाब से तो भैया अगर ईजी पेपर है
और स्पीड भी लोगों की अच्छी है तो 75+ या 72+ है ना, 72+ तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ये सारी चीज़ें थी। अगर सभी स्टूडेंट की 100% एक्यूरेसी रही होगी तो 75+ जाएगा ही जाएगा, 72+ जाएगा ही जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। इसी प्रकार से मैं आपकी थर्ड शिफ्ट की भी एनालिसिस करूंगा, और जो जो क्वेश्चन मेरे पास आएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पर दे दूंगा, और जो मैं यहाँ पर नहीं दे पा रहा हूँ वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। क्लियर? अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है हम उनकी 3 से 4 दिन बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर हो गया सभी लोगों को? जिन जिन बच्चों को अपने जो जो जिन जिन का एग्जाम हो चुका है ना फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, अगर आपको कोई से क्वेश्चन याद है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कॉन्फिडेंस लो मत होने दीजिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।